दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं ग्रीन स्क्रीन को यूज करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी पेरिस में हूँ, बूम। और अब मैं दोस्तों देखिए बुर्ज खलीफा, बैम। और ये देखिए ताजमहल, बैम। तो दोस्तों आज मैं आपको मेरा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप दिखाऊंगा कि मेरा ग्रीन स्क्रीन कैसा है। बहुत ही चीप क्वालिटी का मैंने ग्रीन स्क्रीन नहीं, सॉरी ये दोस्तों ये ब्लू स्क्रीन है। तो ये बहुत ही चीप क्वालिटी का ब्लू स्क्रीन है। तो मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है इसके बीच। अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छे अपलोड किया है मैंने, अच्छे अच्छे वीडियो ग्रीन स्क्रीन। तो कोई भी लाइटिंग मैंने यूज नहीं किया, नेचुरल लाइटिंग है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम नेचुरल लाइटिंग है यहाँ पर से, नेचुरल लाइटिंग। और ये है मेरा ग्रीन स्क्रीन का सेटअप दोस्तों। तो आप अपने वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, मैं बल्कि सब जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनको सजेशन दूंगा कि आप जब पहला अपना चैनल खोले तो आप पैसे खर्च मत कीजिए, क्योंकि आप पैसे खर्च करे बिना भी ग्रीन स्क्रीन का बहुत ही अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आज आपको बता दूँ कैसे। तो आप गाइस देख सकते हैं, आप ये जो मैंने इसका, ये एक चद्दर है बस, कोई फैंसी ब्लू स्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, ये बस एक चद्दर है जो कि मैंने मार्केट से खरीदा है 100 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ब्लू स्क्रीन। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस में और आप देख सकेंगे वीडियोस। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक इनसाइड इसको कि कितने अच्छे क्वालिटीज आते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों। और नेचुरल लाइटिंग, कोई भी लाइट नहीं मैं यूज़ करता, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नेचुरल लाइटिंग बिल्कुल। और कुर्सी मेरा, यहाँ पर बैठता हूँ और यहाँ पर बैठ के आपको वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों आप भी ऐसे, अगर आपके पास चद्दर है आप ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन चद्दर। अगर आपके पास नहीं है तो जाके खरीद लीजिए। हाईस्टली इसका दाम होगा 100 से 200 रुपये। हाँ दोस्तों, तो एक ही, लेकिन आपको एक ही कलर का लगेगा। देखिए, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है ये। तो मैंने इसको 100 रुपये में खरीदा था मार्केट से, तो आप भी खरीद लीजिए ऐसे। एक मैंने एक ही सेट खरीदा है, तो आप तो अगर आपको और भी बड़ा चाहिए तो आप 2-3 खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप इससे और भी बड़ा खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यही मैं ग्रीन स्क्रीन, मैं ब्लू स्क्रीन यूज़ करता हूँ तो आपको मैं दिखाना चाहता था। तो चलिए आप वीडियो के चलते हैं। आज तो हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा, तो हम फिर से लौट आए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि विंडोज़ का प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसके क्या होता है कि दोस्तों कि आपका जब विंडोज़ आप अपग्रेड करते हैं तो एक प्रॉब्लम देखा जाता है विंडोज़ में, जैसे कि लिनक्स या फिर मैक में भी होता है, लेकिन विंडोज़ में ज़्यादातर होता है ये प्रॉब्लम। तो क्या होता है, आपका जो साउंड डिवाइस है वो काम करना बंद कर देता है, आपको कोई भी साउंड नहीं मिलता है अपने पीसी या फिर लैपटॉप से। अगर आप कुछ भी प्ले करते हैं तो आपको साउंड नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम मुझे कुछ दिनों से हो रहा था। तो मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला कि जो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। तो मैंने खुद ही ट्राई किया तो मुझे एक सॉल्यूशन पता चला, लेकिन ये टेम्पोरेरी सॉल्यूशन है दोस्तों, मुझे फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने साउंड डिवाइस को फिर से वर्किंग मोड में लाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये क्यों होता है, जब आप विंडोज़ अपडेट करते हैं तो एक एप्लीकेशन जो होता है वो अपडेट हो जाता है, और वो एप्लीकेशन कंटिन्यूसली लूप में आपके जो ऑडियोज है, ऑडियो ड्राइव को उसको यूज़ करते हैं और बाकी सारे जो ऐप्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ताकि कोई भी साउंड डिवाइस को आपके यूज़ ना कर पाए। इसलिए आपको कोई भी एप्लीकेशन, आप गाना सुनना चाहे, वीडियो देखना चाहे या फिर मूवी देखना चाहे या फिर यूट्यूब में भी वीडियो देखना चाहे, तो कुछ कहाँ पर, और या फिर साउंड भी रिकॉर्ड करना चाहे, तो किसी में भी आपका साउंड नहीं आएगा, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में आपका अपडेट हो गया है, बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चल रहा है और आपके ऑडियो को ब्लॉक कर दिया है, ताकि कोई और उसे यूज़ ना कर पाए और कोई ऐप उसे यूज़ ना कर पाए। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन गूगल में मैंने सर्च किया तो 2-4 सॉल्यूशन मिले, लेकिन वो काम कर नहीं है, कुछ उससे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। तो मैंने खुद ही ट्राई किया और मुझे एक सॉल्यूशन मिला, तो
चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको ऑडियो को ठीक करेंगे। और ये दोस्तों परमानेंटली नहीं है, ये मैंने जो तरीका खुद ढूंढा है ये टेम्पोररी है। तो दोस्तों चलिए पीसी में देखते हैं। तो दोस्तों लीजिए, हम पीसी में आ चुके हैं। तो मैं अभी आपको दिखा दूँ कैसे आप इस साउंड प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो पहले आपको जाना होगा स्टार्ट में, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे आपको जाना होगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखा दो रुकिए, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड्स। देख सकते हैं आप दोस्तों हार्डवेयर एंड साउंड्स, यहाँ पर आपको जाना है। तो मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर डिवाइस एंड प्रिंटर्स, डिवाइस एंड प्रिंटर्स आपको यहाँ पर जाना है। और नहीं दोस्तों यहाँ पर नहीं जाना है, इसके पास में अगर आप ये देख सकेंगे डिवाइस मैनेजर, इसमें जाइए डिवाइस मैनेजर में, और ऐसा एक पॉपअप आपके सामने आएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर जाइए साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर, यहाँ पर जो ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर जाइए और आप देख सकेंगे दो ऑप्शन आपके पास आ गए, इंटेल डिस्प्ले ऑडियो, रियल टॉक हाई डेफिनेशन ऑडियो। तो दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपने साउंड ड्राइवर्स को इंस्टॉल नहीं किया, इसलिए साउंड का प्रॉब्लम आपको दिखाता है, या फिर आपका ड्राइवर्स अपडेटेड नहीं है। तो चेक कर लीजिए कि आपके साउंड ड्राइवर्स अपडेटेड है या नहीं, अगर नहीं है तो अपडेट कर लीजिए, तब शायद ठीक काम करेगा आपका ऑडियो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपडेट कर रखा है और आपको लगता है कि ये ड्राइवर्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए मैं आगे आपको आगे दिखाता हूँ कैसे आप ठीक करेंगे ये प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रियल टॉक हाई डेफिनेशन ऑडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर डिजेबल, सॉरी, यहाँ पर राइट क्लिक करके डिजेबल कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो मेरा तो अभी ठीक है, इसलिए मैं अभी डिजेबल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे डिजेबल कर दीजिए और उसके बाद फिर से एनेबल कर दीजिए, और देखिए आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके इसको अनइंस्टॉल मत कीजिए, अनइंस्टॉल करेंगे तो ऑडियो परमानेंटली नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप इसे डिजेबल कर देंगे तो जो आपका पीछे ऐप है, ऐप जो मैं बोल रहा था आपको कि जो कॉन्टिन्यूसली लूप में आपके म्यूजिक को यूज़ कर रहा है और सब आगे सब ऐप्स को ब्लॉक कर दे रहा है, तो वो जो ऐप है अगर आप इसे डिजेबल कर देते हैं तो उसको एक्सेस नहीं मिलता है आपके ऑडियोस का, तो वो यूज़ नहीं कर पा रहा है आपका ऑडियो, तो इसलिए उसको आप ऐसे डिजेबल कर दीजिए, तो आपका ऑडियो अच्छे से काम करेगा, आप अपने वीडियोस, मूवीज, कुछ भी जो कुछ आप देखना चाह रहे हैं साउंड के साथ देख सकेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने कैसे ऑडियो के साउंड को फिर से वापस लाया है यहाँ पर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आपके लिए इतने मेहनत करके, तो उनका मेरे मेहनत का कोई फल मुझे मिल रहा है और मैं कोई आपकी मदद कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन या फिर कुछ भी आप बोलना चाहें तो कमेंट करके नीचे मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा हर एक कमेंट की रिप्लाई देने के लिए। और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हम आगे बहुत ऊँचे तक जाना चाहते हैं, अगर आपका साथ मिला तो हम बहुत ग्रो करेंगे और आपको ऐसे वीडियोस देते रहेंगे, और धीरे धीरे क्वालिटी, वीडियोस की क्वालिटी सब कुछ हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सब्सक्राइबर गोल है, हम 3 महीने में 1000 के करीब सब्सक्राइबर का हमारा गोल है, तो प्लीज़ नीचे जो आपको रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है वहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इससे बहुत ही हमें हेल्प मिलेगा और हम आपके लिए नए टेक वीडियोस ला पाएंगे रोज़। तो दोस्तों आपसे फिर से मुलाकात होगी कल और एक टेक वीडियो के साथ। शुक्रिया।